महिला उत्पीड़न की घटनाओं पर रोकथाम लगाने एवं पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाए जाने के उद्देश्य से राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश की सदस्य निर्मला द्विवेदी ने बृहस्पतिवार को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में आयोजित समीक्षा बैठक जनसुनवाई की अध्यक्षता करते हुए कहा कि महिला उत्पीड़न की घटनाओं पर तत्काल कार्रवाई हो। प्रदेश सरकार महिला सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है। इस दौरान उन्होंने कहा कि महिला उत्पीड़न के मामलों को पूरी गंभीरता से संज्ञान में लिया जाए और उसका निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने घरेलू हिंसा पर नियंत्रण के निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे प्रकरणों पर निगरानी रखी जाए और विवेचना न्यायपूर्ण हो। उन्होंने जन सुनवाई में आए लगभग 14 मामलों के प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान जिला प्रोविजन अधिकारी सर्वजीत सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी अलख निरंजन, नायब तहसीलदार महिला कल्याण विभाग से तुहिना दास और पूजा पांडे मौजूद रही। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश की सदस्य निर्मला द्विवेदी ने कहा, हमारे बीपो साहब जो है वो कुछ सीख लो उसे तुम्हें नंबर का मेरे स्टाफ पास है, दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। वो तो हम लोग खोज रहे हैं बच्चों को लाने के लिए। 8 0 8 1 6 4 गोरखपुर की होना बेटा, हिम्मत तुम जीत जाओगे, तुम्हारा बेटा है तुम्हारे पास, तुम्हारी ताकत है। सोचो कि मेरा हमेशा उसके लिए तुम्हें हर जगह अपने पति को अपने साथ रखना, ठीक है ना। तो बहुत शराफत से नहीं, कभी कभी डांट, देखो सीमेंट है ना, सीमेंट को कितना गीला करे, हलवा टाइप का बनाया जाता है ना, बिल्कुल गीला, और जहाँ मतलब एकदम चुड़ाई एकदम चिपकाना होता है वहाँ बिल्कुल पतला करके पानी की तरफ दिया जाता है। जमीन पर पानी डाल के पहले डोगा बना के डाल के उसके बाद तब सीमेंट को हलवा टाइप का बना लो, तो नहीं तो मतलब कभी कभी मुलायम और कभी कभी सख्त होना भी बहुत आवश्यक है ना, चाहे वो घर हो या परिवार हो। हमारी शादी जिस तुम्हारे पति से ही हो, लेकिन तुमको संबंध अपने ससुर के साथ रखना है, तो वो मैम हमको मंजूर नहीं, क्योंकि मेरी जैसे शादी है, मेरा संबंध या तो उससे रहा या तो तुम छोड़ दो, तो फिर वो मार पिटाई शुरू कर दी है। और वहाँ मेरी बड़ी ननद जो है वो ससुराल में ही रहती हैं, मायके में ही अपने रहती है, तो वो शुरू कर दी उन्होंने बदतमीजी, माँ बहन की गाली। हम अपने घर में मैडम कभी अभी तक प्रधान थी और उनके ऊपर मैडम बहुत सारे ये साक्ष्य भी हैं, मुकदमे चल रहे हैं, उन्होंने कितना गबन किया और बाकी सब चीज़ें। उसके बाद फिर मेरी शादी हुई, तो मेरी शादी के बाद ये सब चीज़ें रखी गई मैडम, हमको वो सब शर्तें नहीं मंजूर थी, हम अपने ससुर के साथ गलत संबंध नहीं रख सकते। बंधन था तो राखी बांध के हमको वापस जाना था, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई, तो 6 तारीख को इनका फोन आया मेरे ससुर जी का, तो पापा से कहे कि विदाई कर दीजिए, तो मेरी तबीयत भी खराब थी और ये सब सिचुएशन जो चल रही थी, तो मम्मी बहुत डर गई थी पापा, तो फिर क्या हुआ कि पापा कहे कि इसलिए हम अभी विदाई नहीं करेंगे, एक बात हफ्ते बाद ही करेंगे। मैडम हमारी ये है मैडम कि हमारे पापा चूंकि उस वक्त ना वो कीपैड वाला फ़ोन चलाते हैं, बहुत सिंपल से इंसान है, जब ये दुर्घटना हो गई तब उनको समझ में आया कि उन्होंने अब जाके स्मार्टफोन ले लिया, तो उसमें रिकॉर्डिंग का मैडम सिस्टम नहीं था। उन्होंने ये धमकी दी कि क्या बोलते हैं कि तुम मास्क, मेरे पापा ने हेडमास्टर है, उन्होंने कहा कि तुम हेडमास्टर ही ना हो, औकात में ना हो, वरना तुमको गोली मरवाएंगे, अब तुम्हारी बेटी को रंगदारी से उठवा लेंगे। और ये हम देवरिया के डीपीओ साहब को बोल रहे हैं और उनको बोल रहे हैं, ये दोनों नंबर ले लो, हमसे बात कर लेना, और वहाँ पे कल ही सवेरे, तुम कल शुक्रवार है ना जी, हो सकता है कल सवेरे हम 10 बजे देवरिया रहे हैं, हाँ सवेरे 10 बजे देवरिया रहे हैं, ठीक है, कुछ काम है हमको देवरिया का, तो जाना है, तो अगर हम रहेंगे तो अपने सामने करा देंगे कचहरी। मैम का नंबर ले लीजिए, हाँ कचहरी है, संपर्क करना। 14 साल का बच्चा है, बेटी जी से अलग हो, पति नहीं कुछ मना करते हैं, पति ने 4 लाख रुपये से अपनी गाड़ी मांगी, उसके बाद मेरा बच्चा पैदा हुआ, फिर उसके बाद एक बार उसके बाद मेरा
हमारे पूरे यूपी में महिला आयोग की तरफ से हर जिले में जनसुनवाई होती है, महिला जनसुनवाई, महिलाओं की समस्याओं का समाधान। हम चाहते हैं कि महिलाएं रोती हुई आती हैं और हमारे पास हंसते हुए जाएं। हम हर तरह से उनको उनकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं, वो चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे मतलब अंत में हम मतलब उनकी गृहस्थी बचाने के लिए हम हर प्रकार की कोशिश करते हैं वो जैसे उनकी गृहस्थी बच जाए, इसका हमारा पूरा प्रयास होता है। भी ऐसे ही रहे कि उनको उनके पति ने दूसरी शादी कर ली है, उनको ले नहीं जा रहे हैं, उनको मायके में छोड़ दिए हैं, बच्चे हैं उसके बाद भी छोड़ दिए, ऐसे ही मैटर आए हैं। हाँ, सभी गोरखपुर ज़िले के, एक केस आया था अभी देवरिया का, नहीं तो बाकी सब गोरखपुर के ही हैं। महिला जनसुनवाई में हमारी जिला प्रोबेशन अधिकारी हैं, सीएमओ साहब हैं, हाँ पूरा नाम बताइए, सुनीता पटेल उप जिला स्वास्थ्य, सुनीता पटेल हैं उप जिला स्वास्थ्य निरीक्षक, आप हैं एसपी क्राइम, ये हमारे वन स्टाफ सेंटर के हैं, मतलब सारे पदाधिकारी इस सुनवाई में उपस्थित रहते हैं और हर ज़िले में रहते हैं। हम 28 लोगों की टीम है और हम हर ज़िले में जाते हैं और जन सुनवाई करके महिलाओं की समस्याओं का समाधान करते हैं। मैम, आज जो भी मामले आए उसमें से किसी मामले का निस्तारण हो पाया है? एक दो मामलों का निस्तारण हुआ है।